हेलो एवरीवन, आज आप लोग का केमिस्ट्री का पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रहा होगा। तो आज हम सेट सी के आंसर की को देखेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो सब सही है, 100% सही है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो है मिला लीजिएगा। आपके पास अगर सेट डी है, सेट ई है, तो उसके क्वेश्चन को हेड पर करके वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न उत्पन्न करता है, यानी कि द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन को वो उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेकेंड का जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डैनियल सेल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे देखिए क्या बोला कि सबसे प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि HClO4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे सी भी मारे होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को यहाँ पे देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है। तो जब आप इसको सॉल्व करते कीजिएगा तो यहाँ पे इसका 0.5 आता है आंसर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग इसमें या तो आप ए आंसर जो है इसका मार सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3Cl3+O2 लाइट, यहाँ पे प्लस HCl है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा सिक्स का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, CoCl2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला कि द नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम इज, तो यहाँ पे सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोपेनोन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नाइन्थ पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसकी होती है, यहाँ पे ए, यानी कि फ्लोरिन फ्लोरिन की जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है। अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि विटामिन ए कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इलेवन टेन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि रेटिनॉल जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे क्या बोला कि द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज, यानी कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्या चीज़ हो जाएगा, सोना जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है और मैं आपको बताया भी था। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज। तो 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी जो है वो दोनों हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि विच इज इथॉक्सी इथेन बोल रहा है। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्न में किसमें मैग्नीशियम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज, तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, C6H5NH2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, एस्पार्टेम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 पे चलते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्सामाइन प्लेटिनम, यानी कि IV क्लोराइड इज। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कांच जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि परासरण दाब जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक मोल यानी कि Al3+ में को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 289.5 × 10⁵ कूलम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
23 क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, यानी कि मिथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए कि कॉपर पायराइट का सूत्र है, यानी कि द फॉर्मूला फॉर कॉपर पायराइट इज, तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, CuFeS2 जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या बोला है देखिए कि द इन कंपैरिजन टू 0.01 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 MgCl2 सॉल्यूशन इज, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि ज्वेट्रा आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी जो होगा H2NCH2COOH जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या बोला कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी सी इज, तो यहाँ पे आप सबको मालूम होना चाहिए कि 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा, ठीक है ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 29 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फिनॉल को सैलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि कोल्बी अभिक्रिया जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइमरी एमाइन इज डिटेक्टेड बाय, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CHCl3+KOH जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या बोला कि स्कॉर्बिक एसिड इज, तो यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ज्वरनाशी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज, तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए कि CaNO32 में वांट हॉफ गुणक होता है, तो यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कितना 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या बोला है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन द अप्रॉक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इन किलोजूल पर मोल इज, तो यहाँ पे 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2240 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या बोला कि SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुक्त मूलक का फ्री रेडिकल का है ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन इन वाटर, तो यहाँ पे 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी CH3CH2OH जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या बोला कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप इज, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि SP2 जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। 41 क्वेश्चन पे देखते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए कि फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद NaOH सॉल्यूशन गिव्स, तो यहाँ पे 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एसीटोन जो होता है इसका करेक्ट आंसर होता है। 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C6H5N=N+Cl-H3O+ जो होता है इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 42 का वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि फिनॉल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, विड़वादार ठोस का उदाहरण है, तो वो क्या हो जाएगा ग्रेफाइट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, CH2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 का यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, तो यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि द यूनिट रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट रेट और वो रेट कॉन्स्टेंट जो होता है दोनों सेम होता है।
अब हम लोग 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, CH3CHO जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, NH4Cl जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 49 क्वेश्चन नंबर यहाँ बोल रहा है कि विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोलैलिटी जो होता है उसको टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 50 जो होगा, 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 50 बोल रहा है कि अभी तो इस अभिक्रिया का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी एन हेक्सेन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि निम्न में से किसके पी पाई डी पाई बंधन है। तो आपको मालूम हो जाए कि 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, SO3 2- जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, यानी कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कितना, चालकोजेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ क्या बोला है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो यहाँ पे 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैंगनीज जो होगा ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 54 क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4F एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लैंथेनाइड्स जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कितना, 6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 56 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, 56 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कितना, 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, यानी कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कितना, एक परत जो होती है इसकी होती है, यानी कि 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। 58 क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि बेकलाइट इज ऑब्टेंड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग इट विद। तो यहाँ पे 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कितना, फॉर्मल्डिहाइड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए, 59 का कितना हो जाएगा, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 59 का ए हो जाएगा, कितना, 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन पे चलते देखिए। 60 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच इज द मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। ठीक है, तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि CH3 2NH जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहाँ पे क्या बोला कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइब्रिड अल्कोहल इज। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CnH2n+1OH जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोला कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इमल्सन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गैलिना इज एन ओर ऑफ। तो यहाँ पे 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कितना, लेड जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CHCHO जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 देख लेते हैं। 65 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ए जो होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, 66 क्वेश्चन पे देखते हैं। 66 बोल रहा है कि इंजाइम क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 66 इंजाइम क्या होती है, प्रोटीन होती है ना, तो ये तो आप सबको मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग 67 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 67 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोला है। 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होगा, यानी कि सल्फाइड ओर्स आर कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 67 का ए। 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन। तो आपको मालूम चाहिए 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वुड्स रिएक्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द एग्जांपल CrH2O4Cl2+ इज। तो इसका मालूम हो चाहिए 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि +3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।